हेलो राधे राधे। आज मैं आपको हेल्दी और टेस्टी वाली तीन तरह की इडली बनाना सिखाऊंगी, और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। जो बच्चे सब्जी नहीं खाते, आप इस तरह से बच्चों को सब्जी खिला सकते हैं। पालक, बीटरूट और भी सब्जी डालकर आप इडली बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने हाफ के जी सब्जी ले ली है और इसमें मैं लस्सी डाल रही हूँ। लस्सी से मैं इसका घोल बनाऊंगी, पानी भी डालूंगी और लस्सी भी डालूंगी। और इसमें डाल दूंगी मैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसको मैं मीडियम सा गोल बना दूंगी। और उधर गैस पे मैंने इडली वाला कुकर चढ़ा दिया है, 1.5 गिलास पानी डालकर। और ये पालक को मैंने अच्छे से धो के पीस लिया है, और ये चुकंदर को कद्दूकस कर लिया है, बारीक वाले कद्दूकस से किया है मैंने। ये थोड़ी सी लस्सी और डाल दूंगी इसमें मैं। लीजिए थोड़ा सा गाढ़ा सा घोल है, इसमें मैं अब ये पालक भी डालूंगी और चुकंदर भी डालूंगी। तो चलिए थोड़ा सा घोल मैं अलग रख लेती हूँ 2 कटोरी में, क्योंकि तीन तरह से इडली बनाऊंगी इसलिए अलग अलग घोल कटोरी में डालकर रख लेती हूँ। अब इसमें ये पालक वाला घोल डाल दूंगी। और सब्जी की इडली तो हेल्दी और टेस्टी दोनों ही होती है सेहत के लिए, और पालक तो बहुत ही अच्छी होती है सेहत के लिए। अगर हम पालक ऐसे नहीं खा सकते तो इस तरीके से हम पालक को खा सकते हैं, और बीटरूट को भी इसी तरीके से खा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बीटरूट तो कोई नहीं खा सकता, बहुत ही कम खा सकते हैं। तो इडली में डालकर तो अच्छे से खाया जाता है। ये पालक वाला घोल तो हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इडली बनाना शुरू कर लेते हैं। अब मैं इडली वाले कुकर को, जो हल्का सा गर्म हो चुका है, उसको इधर की साइड चढ़ा दूंगी गैस के ऊपर। और अब मैं डाल दूंगी 1/2 टेबल स्पून मीठा सोडा। आप मीठा सोडा सूजी के घोल के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिला के मीठे सोडे को, फिर चलिए ये मैंने इडली के स्टैंड में घी लगा लिया है, अच्छे से चारों स्टैंड में लगा लिया। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1-1 चम्मच भर के, और चलिए अब मैं दूसरी तरह वाली इडली की तैयारी कर लेती हूँ। ये मैंने सूजी का घोल ले लिया है, नमक तो इसमें डाल दिया था, और ये बीट रूट डाल दिया है।
और ये इडली के स्टैंड में, इसमें भी मैंने घी लगा दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी गोल को पतला करने के लिए, और इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दूंगी। थोड़ी सी लस्सी डालूंगी, बिल्कुल 2 टेबल स्पून। और ये गोल रेडी हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी घी, मैं पहले ही लगा चुकी हूँ। ये दोनों गोल तो इडली बनाने के लिए, इडली स्टैंड में डाल चुकी हूँ। अब मैं सिंपल वाली इडली कैसे बनाऊंगी वो भी दिखा देती हूँ। इस सिंपल वाली इडली की तो मैं पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ, तो चलिए अब इसमें मैं 2 चुटकी मीठा सोडा डालूँगी क्योंकि गोल बहुत कम है। और इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, वही 2 टेबल स्पून। और इस इडली के स्टैंड में घी मैं लगा चुकी थी पहले ही। अभी मैं ये सारा गोल इकट्ठा कर लूँगी, सिंपल वाला तो अलग ही इकट्ठा कर दिया है, और उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया क्योंकि उसमें मीठा सोडा नहीं डाला था मैंने, और वही 1 टेबल स्पून पानी डाला इसमें मैंने। चलिए अब मैं तीनों गोल की इडली एक साथ डालूंगी। 1 टेबल स्पून वाइट वाला सिंपल वाला गोल डाल दिया, 1 टेबल स्पून पालक वाला गोल, और 1 टेबल स्पून ये बीट रूट वाला गोल। अब दूसरे स्टैंड में मैं इसी टाइप से मैं डालूंगी मिक्स करके गोल अलग अलग तीनों को। और गैस को कर दिया मैंने फुल। अब मैं ये जो तीनों गोल थोड़े थोड़े बचे हैं इनको तीनों को इकट्ठा एक डोंगे में डाल लूँगी। और इन तीनों को कर लूँगी मिक्स। अब इसमें जो इडली का स्टैंड था उसमें मैं घी लगा चुकी थी, अब इसको इसमें डाल दूंगी। ये मिक्स वाली इडली बनकर तैयार हो जाएगी। और इडली के स्टैंड को मैंने कुकर में रख दिया था।
और ये दो इडली का गोल और बचा हुआ था तो मैंने इसको भी इस स्टैंड में डाल दिया था। अब इसके ऊपर जो नट लगता है स्टैंड के ऊपर, उसको मैंने टाइट कर दिया है और गैस को कर दिया फुल। और चलिए अब मैं ढक्कन बंद करके उसके बाद 10 मिनट बाद मिलती हूँ आपसे। गैस को कर दिया मैंने बंद और ये स्टैंड बहुत ही गर्म था, मैं हाथ लगा कर देख रही थी, तो चलिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ और तब तक मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह सब लेडीज़ को बहुत ही ज़्यादा काम होता है, कहीं ब्रेकफास्ट, कहीं किसी का टिफिन पैक करना और कहीं कुछ काम, कहीं सब्जी। तो मैं तब तक रोटियां सेक रही थी और एक साइड ये इडली का कुकर चढ़ाया हुआ था, तो इधर गैस को मैंने कर दिया बंद और कुकर को रख दिया इधर इडली वाले को, उधर की साइड मैंने तवा चढ़ा रखा है। और चलिए ये कुछ ठंडा हो चुका था, अब मैं इसको खोल कर अलग अलग कर दूंगी और फिर ठंडा होने के बाद इडली निकाल कर दिखाऊंगी कितनी टेस्टी और हेल्दी वाली इडली बनकर तैयार हुई है। ये बहुत ही टेस्टी वाली इडली बनी है और ये कलरफुल वाली तो बहुत ही सुंदर लग रही है। इडली देखते ही खाने का मन कर रहा है क्योंकि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वाली इडली बनकर तैयार हुई है। चलिए अब मैं इडली निकाल कर आपको दिखा देती हूँ। सब इडली निकाल कर और नोक वाली चम्मच से इडली को निकाले लीजिए। हमारी टेस्टी और हेल्दी वाली इडली बनकर तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट इडली बनी और देखने में भी बहुत ही लाजवाब इडली लग रही है। एक बार आप भी ज़रूर बनाकर खाएं। इस तरह बीट रूट और पालक की इडली बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, सांभर के साथ, चटनी के साथ, नारियल की चटनी के साथ, सिंपल चटनी के साथ, मूंगफली की चटनी के साथ, धनिया की चटनी के साथ, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, जिस भी चीज़ के साथ आपको खाना अच्छा लगता है आप इडली उसी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी, नए आइडिया, नई कोई गोपाल की ड्रेस के साथ या नई कोई कुर्ती डिज़ाइन के साथ, नए आइडिया के साथ। राधे राधे।